नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको आम जनता से मिलवा रहे हैं जो डेरा सजा सौदा में अब जा रही हैं लेडीज, उनसे जानते हैं कि क्या है असली सच, कैसा माहौल इनको डेरा सजा सौदा का लगता है। हमारे साथ सोनू जी हैं। सोनू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सोनू जी, क्या आपने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंदिर है जो गुरु जी देते हैं वो भी लिया हुआ है? नहीं, हमने ले लिया है, बाकी हम दो तीन बार आते हैं। मैं दो तीन बार आयो आज। हाँ जी, हमारे को बहुत अच्छा लगा है गुरु जी का प्रवचन, हमने उनको देखना आते रहते हैं। महसूस कैसा होता है? हमको बहुत अच्छा होता, हमारे आत्मा में बहुत शांति मिलती है हमको। आपने कभी भी अलग तरीके का महसूस किया हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो हमारे को नहीं, मीडिया वाले तो सारे गलत होते हैं। सुरक्षित महसूस करते हो? हाँ, बहुत अच्छा। हमारे को पिताजी का हमेशा ध्यान रखता है। 3-4 सालों से गुरुजी अब समाज में नहीं है। हाँ जी। कुछ लगता है आपको प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? बहुत पड़ा है। पिताजी को बस जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए, हम लोग का यही भी। क्यों प्रभाव पड़ा है, मतलब उन्होंने समाज के लिए क्या किया? बहुत कुछ किए हैं समाज के लिए, अब उसको लिए माने या ना माने कोई, हम लोग तो उनको मानेंगे। क्या आज उनकी जरूरत है समाज को? बहुत बहुत ज्यादा। क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं तो सरकार से यही अपील करूंगी कि गुरुजी को जल्दी से रिहा करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता भी मांग कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की, यह है असली सच जो आपको हम सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।